Hey guys, welcome back to my another video. आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो पहले स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। ये हम आ गए दूसरे स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे चार्ट। ओके गाइस, इसको जूम कर देते हैं। ओके ठीक है। तो गाइस जैसे देख रहे हो, यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन मिला था। मार्केट भी पॉजिटिव हो गया था करीब 6 दिनों की वापस गिरावट के बाद, वापस पॉजिटिव किया था। लेकिन जो बॉन्ड्स का जो रिटर्न से उनको अच्छा मिला, इसीलिए मार्केट पूरा क्रश हो गया। ये देख रहे हो इतना बड़ा रेड कैंडल किया है। अब क्या हो सकता है गाइस? तो सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, RSI, MACD सबका सिग्नल यही है कि हैवी सेलिंग है। और हैवी सेलिंग के चक्कर में हमको काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और मैं समझता हूँ आने वाले वीक में भी हमें हो सकता है, अगर आपने बाय किया रहेगा तो नुकसान और हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ये वाला, ओके इसको स्क्वेयर कर देता हूँ। ओके ये देख रहे हो, लोगों जूम कर देता हूँ। ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, वो भरने के लिए गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ अगर मंडे को बहुत ज्यादा भी कोशिश की, तो जो हमारा हाई बना था फ्राइडे को 919 का, 14,919 का, उसके ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो मैं समझ 14,900 के आसपास शायद शायद बहुत ही ज्यादा प्रेशर किया, FII या बहुत बाइंग आई, 14,900 तक ही मैं देख रहा हूँ। उससे ज्यादा चार्ट तो नहीं बोल रहा है गाइस। मैं भी समझता हूँ नहीं होगा उतना, थोड़ा बहुत 1% मैक्सिमम, 1 या 2। ओके इसको रिमूव कर देते हैं अभी। ओके तो गाइस ये बात थी निफ्टी की। निफ्टी पे गाइस नीचे सपोर्ट लाइन मैंने पहले आपको बोला, वही है। सबसे पहला जो है वो हमारा रेड लाइन है 14,100 का, 130 का है लेकिन 100 के आसपास पकड़ लो, 14,100 के आसपास। उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है वो यहाँ पे है। रुको, ये ये वाला, ये देख रहे हो करीब करीब कितना हो रहा है, 14,000 सॉरी 13,500 के आसपास है गाइस। 13,500 के आसपास हमारा सपोर्ट लाइन है। उसके पहले दूसरा है हमारा 14,100 के पास, यहाँ पे जो हमारी वीकली रेड लाइन है, इसलिए मैं अभी इसे ही दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ पाए। तो यही है। और इसके बीच में गाइस थोड़ा सा एक 300 पे रेसिस्टेंस है, 14,300 पे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एकदम मैं कहूंगा बियरिश तरीके से, ऐसे पंजा पूरा फटाक से मारा है, थोड़ी थोड़ा ज्यादा हो गए तो बियरिश मूव है। तो मैं समझता हूँ शायद 14,300 का लाइन काम ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ 14,100 पे बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस आएगा और मैं समझता हूँ वहां पे शायद एक रिकवरी देखने को मिले। लेकिन ये बात शायद सेकंड वीक में हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है बियर्स का ही है, बुल्स का तो कुछ होने नहीं वाला लग रहा है इतना। क्योंकि अगर बाय चांस इंडिया में वापस से कुछ और पॉजिटिव साइन दिए, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा मतलब मूव हो सकता है, लेकिन बाकी गाइस चांस नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, पसंद आ रही हो तो लाइक करना और मैं दोस्तों को भी शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करें गाइस, तो सेम चीज निफ्टी में, जैसे यहाँ पे उसने एक सॉरी, तो गाइस बैंक निफ्टी में भी वही चीज होगी सेम, जैसे कि मैंने बोला निफ्टी में कि यहाँ पे जो उसने गैप किया है ये वाला, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके यहाँ पे जो गैप किया है वो गैप भरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी की जो ग्रीन लाइन है हमारी, पिछले हफ्ते तो करीब 34,000 के आसपास थी, लेकिन अभी 34,344 मतलब 34,300 पकड़ लोगे, 34,300 के आसपास हमारी ग्रीन लाइन है। और वो ब्रेक नहीं होती है तब तक के लिए बैंक निफ्टी का सिग्नल नहीं आया चार्ट के हिसाब से कि वो मंदी में बैठ रहा है। लेकिन निफ्टी का आ गया है कि निफ्टी ज्यादा बियरिश बनेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का अभी सिग्नल नहीं आएगा इस। तो बैंक निफ्टी में जो भी है बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब मैं देख रहा था सारी बैंक्स रेड थी मतलब नेगेटिव थी, लेकिन लास्ट में बंधन बैंक मैंने शायद देखा जो पॉजिटिव हुई थी 2-3 पॉइंट,
बाकी नहीं देगा, लेकिन चलो दिखाई देता हूँ। बंधन बैंक का भी चार्ट देख लेते गाइस। ओके गाइस, जिस तरह से देख रहे हो बंधन बैंक का ग्रीन कैंडल बनाए और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट वीक के लिए भी बंधन बैंक, अगर आपने, मैंने पिछले वीक ही बोला था बाय कर लेना, नहीं किया तो अभी भी अच्छा चांस है। ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज दिया है थोड़ा सा, तो मैं समझता हूँ ये और भी ज्यादा पॉजिटिव होगी और हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट वो जल्दी पूरा होने वाला है गाइस। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक पे थोड़ा डाउट है। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक आज जो हम देखने वाले हैं वो है एस्कॉर्ट्स, तो हम निकाल लेते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो बंधन बैंक के बाद दूसरा स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ है वो है एस्कॉर्ट्स। और दूसरी बात गाइस कि स्पोर्ट्स का जो डेली चार्ट है वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न बनता है, थोड़ा सा चिंताजनक बात हो चुकी है यहाँ पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ओके नहीं हुआ, एक और बार। हाँ ये देख रहे हो गाइस, ये मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। ओके ये देख रहे हो रेड और ग्रीन लाइन मतलब चिपक सी गई है, थोड़ी सी खुली है, मतलब ये चार्ट का एक सिग्नल है कि यहाँ से और भी ज्यादा हेवी सेलिंग हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो यहाँ पे अभी रिस्क है थोड़ा सा, यहाँ से हमको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है और थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा सा नुकसान कैसे होगा उसके लिए वो स्क्रीन पे आएगा गाइस, आपको कहाँ पे कैंप करना है और कितने पैसे रखना है। और बहुत ज्यादा फायदा कैसे होगा कि हमें मंडे को ही इसमें थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म में फायदा मिलेगा गाइस, क्योंकि मैं समझता हूँ मंडे को जो पुश आएगा उसमें स्कोर हमें शायद परफॉर्म करते दिखे। तो मैं कहूंगा एटलीस्ट अगर आप ओपनिंग बेल पे ही बाय कर रहे हो मंडे को एस्कॉर्ट्स, तो 1 या 2% का ही प्रॉफिट रखना और बुक करके वेट करना क्या होता है। ये बात थी गाइस एस्कॉर्ट्स पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैंपिंग एसएल और हमारा टारगेट। तो अब बात करते गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है जो यूपीएल, जो आपको बता दूं बीच में बहुत ज्यादा जंप किया था, उसने पूरी की पूरी रैली कर ली थी, लेकिन फ्राइडे के दिन उसने हक दिया है। सॉरी गलत वर्ड हो गया। ओके ओके सॉरी, ये नहीं करना है। ओके 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 गाइस, तो बात ये है उसने रैली की थी, 2 बार की थी हफ्ते के बीच में। पहली यहाँ पे हुई है गाइस देख रहे हो, दूसरी यहाँ पे। तो मतलब स्टॉक भाई बोल रहा है हमको रैली करनी है, लेकिन मार्केट थोड़ा दबाव में है, तो इसके लिए हमें शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक उतना परफॉर्म ना मिले, लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट तो कर ही सकते हो ना गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंप एसएल और टारगेट ट्राई करेंगे, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, नहीं हो रहा है निकल जाएंगे कम लॉस में। यही थी गाइस बात। नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है पूरा बियरिश रहेगा, बुली बुलिश थोड़ा सा शायद मंडे को देखने को मिले करेक्शन के हिसाब से, या तो फिर जैसे स्टेलमेंट में चलेगा या ऊपर नीचे, मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रहा है गाइस निफ्टी में, एटलीस्ट बैंक निफ्टी का नहीं बोलूंगा कि उसका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है बहुत दूर है। 2000 पॉइंट तो ऐसे ही मतलब चने ममरे के माफी की निकाल देगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी अर्निंग गाइस, और सब्सक्राइब करना गाइस।